हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ इंट्रो डाला है जो आपका जो मतलब माइंड जो है क्या हो जाएगा, थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। इस वीडियो के से आप लोग को बहुत सारा जानकारी मिलेगा कि फ्रेशर स्टूडेंट को कैसे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। इस वीडियो में हम सब बताएंगे, आप बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन देखना है कि आपको आपका क्वालिफिकेशन कितना है। 8 पास है, 10 पास है, 12 पास है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। आप अपने हिसाब से ये सब देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। यदि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। बहुत सारा टेंशन होता है कि आगे पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया लेकिन अब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये सब बात जो सब आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको सब ये सब जानना पड़ेगा कि आप किस लाइन में, किस सेक्टर में जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब में, स्टेट जॉब में जाना चाहते हैं या सेंट्रल जॉब में जाना चाहते हैं। तो सेंट्रल जॉब में बहुत सारा जॉब हो जाता है, जैसे आपका डिफेंस हो जाएगा, स्टेट में भी डिफेंस हो जाएगा, उसके बाद आपका मिल जाएगा रेलवे, मिल जाएगा एसएससी, मिल जाएगा बैंक। मतलब किस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको ये चॉइस करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन बात है, आपको यदि आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आपके मन में, आपके माइंड में एक सेटअप होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, एक एम होना चाहिए कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कितना समय देना है, मेरे घर वाले कितना सपोर्ट कर सकते हैं। इन इन सब बातों को आपको ध्यान रख के आपको चलना पड़ेगा। आप प्रिपरेशन के लिए कहाँ जा रहे हैं, कैसा माहौल है, क्या वहाँ पर बेहतर कोचिंग सेंटर मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वहाँ पर बेहतर टीचर हमारे लिए मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान देना पड़ता है। बहुत सारा टेंशन होता है लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको एक एक सोल्यूशन यहाँ पर सब कुछ बताऊँगा कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 8 पास 10 पास 12 पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जिस हिसाब से आप क्वालिफिकेशन है उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। आपका जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ही आप प्रिपरेशन कीजिए। आप किस लाइन में जाना चाहते हैं, यानी कौन सा सेक्टर में जाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये चीज़ भी आपका माइंड में सेटअप होना है। डिफेंस में जाना चाहते हैं या बैंक में जाना चाहते हैं या एसएससी में जाना चाहते हैं या रेलवे में जाना चाहते हैं या टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब ये चीज़ फिक्स होना चाहिए। और आपका मेन जो टारगेट होना चाहिए, टारगेट मतलब एम आपका क्या है, या आपको पायलट बनना है, लोको पायलट बनना है, टेक्नीसियन रेलवे में जाना है, बैंक मैनेजर बनना है या टीचर बनना है, ये मेन टारगेट आप सेट करके रखिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये सब करने के बाद आप अपने घर का स्थिति देख लीजिए, मेरा घर का स्थिति कैसा है, वो लोग कितने दिनों तक मुझे सपोर्ट कर पाएंगे, कितने दिनों तक सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबका फैमिली, सबका घर द्वार एक जैसा नहीं होता है। सब मिडिल क्लास के फैमिली है, किसी घर में कोई चीज़ का प्रॉब्लम है तो किसी चीज़ में पैसे का प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। तो इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रख के आप जो भी टाउन, जो भी सिटी आप सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले आपको बेस्ट कोचिंग सेंटर ढूंढना है जो आपके लिए सबसे बेहतरीन हो, इजी हो और सिंपल हो, और बेस्ट टीचर भी आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस करना है। आपको रेगुलर क्लासेस, अभी कोई टेंशन नहीं है, आप जो जो लाइन में है आप पहले उसका पहले अच्छे तरह से प्रिपरेशन कर लीजिए, यानी कि पूरा क्लासेस कर लीजिए। क्लासेस करने के बाद आप उसके बाद रिविज़न कीजिए, रिविज़न करते 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 उसके बाद और भी आगे, मतलब प्रिपरेशन मतलब और भी आगे रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लाए लाए। आपको सब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। ये नहीं सोचेंगे कि एक बार में सोचेंगे नहीं, एक बार में हम करके बैठ जाएं तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। सबसे पहले आपका एम और टारगेट होना चाहिए, उसके बाद आपका क्लासेस रेगुलर होना चाहिए, उसके बाद आपका रिवीजन होना चाहिए, उसके बाद आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिए, देखिए आपको 100% सक्सेस मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात जान लीजिए, जो भी आप कीजिएगा आप ईमानदारी से कीजिएगा, मेहनत लगा के कीजिएगा और पूरा अपना 100% दीजिएगा कि आपको सफलता मिले ही मिले। अपनी तरफ से जितना भी कोशिश है, जितना भी आप कर सकते हैं, आप अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो वही सक्सेस होता है, जो लड़का ईमानदारी से अपना काम करता है, मन और लगन और दिल से वो काम करता है, वही लोग सक्सेस होता है। तो आप इन चीज बातों को ध्यान रखिएगा, अपना एम हमेशा अपने पास ही रखिएगा, आपका टारगेट जो है हमेशा अपने साथ लेके चलिएगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना ही है तो करना ही है। उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा दोस्तों, आप उस प्रॉब्लम के साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप लड़ना पड़ेगा। बहुत सारा दुख तकलीफ प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, पैसे का प्रॉब्लम, घर वालों का प्रॉब्लम, बहुत सारा टेंशन आता रहता है दोस्तों। तो इस तरह से आप जब भी प्रिपरेशन करने जाए तो एक मतलब पूरा अंदर से मजबूत
रहना चाहिए कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम आने से हम उसके साथ में फाइट कर सकते हैं, तभी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, क्योंकि मैं भी अभी स्टेट गवर्नमेंट जॉब में हूँ, APRO में हूँ, वायरलेस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। तो फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ये सब वीडियो थोड़ा शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी अपना ब्लॉग जो है वो यूट्यूब पर डाल देता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन कर सकते हैं।